काम हो गया क्या? मुझे 3 बजे का वादा किया तो तुमने, मुझे उसे भी जवाब देना है। मैं वक्त का बहुत पक्का आदमी हूँ। ये लो अपनी घड़ी, देख लो सब कुछ ठीक है या नहीं। अरे भैया संभाल के, धीरे धीरे। देखो इसमें मेरी बहुत महंगी क्रॉकरी है, पढ़ो, ग्लास हैंडल विथ केयर, संभाल के लेके जाओ। चिंता मत कीजिए मैडम जी, कुछ नहीं टूटेगा। अरे चिंता कैसे ना करूं, इसमें से अगर एक भी सामान टूटा ना तो मैं तुमसे पैसे लूंगी। चलेगा। हाँ चलेगा, बात करने की तमीज नहीं है। अरे ये क्या है, मैंने आप लोगों से कहा था गाड़ी से सामान उतार कर सीधे अंदर ले जाना, यहाँ फैला दिया। चलिए टाइम मत वेस्ट करिए, ले जाइए अंदर, सारा सामान अंदर चाहिए मुझे, सीधे अंदर भाई। हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ मिलानी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ सामान ज्यादा है। मिलानी तुम भी ना हमेशा परेशान रहती, ये सारा सामान हमारा ही। मगर ऐसे चलो चलो अभी अंदर चलो, कमाल करती हो तुम भी, हमें मुफ्त में कोई सामान क्यों देगा? तुम कभी मेरी बात नहीं सुनोगे। हद, तो इसमें गलत क्या कहा? बस मिलानी, जब देखो तुम मेरे से झगड़ा करने का बहाना ढूंढती रहती हो। अब बहस बंद करो और ये सब सामान समेटो, जिसको जहाँ रखना रखो। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे ही सब करना है। ये उठाओ वहां रखो। वहां रखो। चलो चलो जल्दी लाओ सामान सब। ठीक से खोला उसे। आप? जी मैं आरटीबी टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ, आपके यहाँ ये टेलीफोन लगाना है। अच्छा। आई कार्ड है आपके पास? हाँ जी। चलो छोड़ो, अब आइए मिस्टर, टेलीफोन बेडरूम में लगा आइए। जी। अरे खड़ी क्या देख रही हो, काम करो जल्दी, इतना काम पड़ा है। मिलानी ये तो कह रहा है कि बेडरूम में टेलीफोन का कनेक्शन खराब हो गया है, फोन यहीं हॉल में लगेगा। बेडरूम का कनेक्शन खराब है? जी मैडम। नहीं नहीं हॉल में फोन मत लगाना, जब भी फोन बजेगा मुझे ही उठाना पड़ेगा, बेडरूम का कनेक्शन आज ही ठीक कर दो। माफ कीजिएगा मैडम, आज तो हो नहीं पाएगा, आपके घर के अलावा मुझे 2 और घरों में जाना है। अरे छोड़ो ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत, फोन यहीं लग जाने दो, जब भी घंटी बजेगी मैं खुद आके उठाऊंगा। बस तुम उठाओगे? सुस्ती के पहाड़। जबान संभाल के बात करो मिलानी, जो मुंह में पक देती हो, जो तुम्हारे दिल में आए करो। अरे छोड़िए, कुछ भी बक देती है, आप प्लीज अपना काम कीजिए। अब थोड़ा ही सामान बचा है, इसे कल सजाएंगे। जी मिलानी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे पास वक्त ही वक्त है, आराम से सजा लेना। हाँ तुम तो बोलोगे ही, आखिर घर तो हमें ही सजाना है ना। तुम फिर से शुरू हो गई ना? क्यों सच्ची बात कड़वी लगी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने कहा ना इनका कुछ नहीं हो सकता। रीमा तुमने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए ना? जी मैम सर। ठीक है तुम जाओ सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। जी फोन की घंटी। फोन
लगाया है नहीं कि फोन बजना शुरू। अभी तक तो पड़ोसियों से भी जान पहचान नहीं हुई, इतनी रात को किसका फोन हो सकता है। हेलो मिलानी, मिलानी ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया। मिलानी काश काश मैं गया होता वो फोन उठाने, तो ये सब कुछ नहीं होता। मिलानी तुम जैसी भी थी मेरी पत्नी थी, मिलानी तुम मेरी पत्नी थी। कैसे हुए ऐसे? कुछ नहीं पता साहब, मैं और मिलानी बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी, मिलानी फोन उठाने गई, फिर अचानक जोर से धमाका हुआ, मेरी नींद खुली, भागता बाहर आया, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका था सब कुछ। आप उस वक्त बेडरूम में थे? जी हाँ। और आप कहाँ थी? मैं रसोई घर में थी साहब, मैं भी सो ही रही थी। फोन की घंटी सुनाई नहीं दी आपको? नहीं साहब। सही है, देखिए फोन की हालत देख के तो नहीं लगता कि फोन के अंदर बॉम्ब लगाया गया होगा। तो ये बॉम्ब किस चीज में रखा गया होगा? अब कितने बजे थे जब बम फूटा? 2 बजे थे साहब। हाँ, 2 बजे के आसपास। 2 बजे थे जी साहब। 2 बजे फोन की घंटी बजती है और 2 बजे धमाका होता है। इस धमाके का और इस फोन के घंटी का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। आप लोग दोपहर को ही आए थे ना यहाँ पे? जी हाँ, 1 बजे। और ये सारा सामान आप लोग अपने साथ लेके आए थे? जी। अच्छा, आप लोगों को अपने सामान में कुछ अजीब लगा, कोई सामान जो आप लोगों का नहीं हो? साहब मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मिलानी बार बार एक बात बोल रही थी, सामान कुछ ज्यादा है, सामान कुछ ज्यादा है, सामान ज्यादा है। अच्छा ये बताइए कि पूरे दिन में कुछ भी ऐसा हुआ जो आपको अजीब सा लगा? अजीब? वो टेलीफोन वाला आदमी साहब। हाँ, वो टेलीफोन वाला आया था कनेक्शन के लिए, पहले वो बेडरूम में गया, उसने बोला वहां पॉइंट खराब है, फिर आके उसने यहां उसने कनेक्ट किया। पॉइंट खराब है बेडरूम उस तरफ? हाँ। अच्छा ये टेलीफोन वाला कितने बजे आया था? हमारे आने के कुछ टाइम बाद ही आया था। मतलब आप लोग यहाँ पे पहुंचे और उसी वक्त तो टेलीफोन वाला भी आया? जी। कमाल है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। लेकिन उसे तो आपने ही बुलाया ना? नहीं नहीं, हमने नहीं बुलाया उसे। फिर आपने उसे घर में घुसने क्यों दिया? हमें लगा शायद हमारे एजेंट ने उसे भेजा होगा। नाम क्या था इस टेलीफोन वाले का? नाम सर, टेलीफोन वाले ने झूठ बोला था सर, बेडरूम का कनेक्शन एकदम ठीक ठाक है। ओह, मतलब वो टेलीफोन वाला यहाँ बॉम्ब रखने के लिए आया था? हाँ सर, और ये सारी की सारी साजिश पहले से ही रची गई थी। 2 चीजों का पता करना होगा, एक तो ये बॉम्ब किस चीज में रखा गया था और दूसरा वो फोन कॉल किसने किया था। आप जरा अपने एजेंट का नाम और सेल नंबर दीजिए हमें। इस बार हम 3 महीने का किराया एक साथ ही लेंगे। यस। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? रोजविला तुम लोगों ने किराए पर दिया है ना? रोजविला मड़ वाला? हाँ भाई, तुम दोनों ने ही किराए पे दिया था ना वो विला, प्रतीक और मिलानी को? हाँ हमने ही किराए पे दिया था रोजविला, मगर प्रतीक और मिलानी को नहीं सर। क्या? एक मिनट, क्या कहा तुमने? प्रतीक और मिलानी को नहीं? नहीं सर। अरे तुम लोगों ने ही दिया था ना 5 साल के किराए पर वो बंगला, वो रोज विला प्रतीक और मिलानी को? ये कैसे हो सकता है सर? और कल रात उसी विला में बम फटने के कारण प्रतीक की बीवी मिलानी की मौत हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? सच्चाई यही है। हम पर विश्वास कीजिए सर, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। रोज विला तो हमने कानपुर में रहने वाले महंत और नताशा को किराए पे दिया था। महंत और नताशा को? हाँ सर। और सर आप जिस प्रतीक और मिलानी की बात कर रहे हैं ना, उनको तो हमने मालवनी का लाल महल किराए पर दिया था। करण तुमने क्या गड़बड़ी कर रखी यार, सारे पेपर्स तो तुमने ही बनवाए थे ना, अभी तुम ही जवाब दो। सर मुझसे ही गलती हो गई शायद, दोनों लोग एक ही दिन मुंबई आ रहे थे और दोनों को घर लेने की इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी कि बंगलो देखे बगैर डील पक्की करती। बकवास मत करो, आजकल के जमाने में कोई
प्रॉपर्टी देखे बिना डील करता है क्या? और इस केस में एक नहीं दो दो लोग प्रतीक और महंत बिना घर देखे वहाँ रहने चले जाएंगे। सर उन्होंने कहा कि वो किसी समस्या में उलझे हुए हैं, वो बंगला देखने नहीं आ सकते और अच्छा किराया भी देने के लिए तैयार थे, इसलिए हमने भी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। सर इसीलिए कागजात बनाते वक्त मुझसे गलती हो गई और जल्दबाजी में बंगलों की अदला बदली हो गई। जल्दबाजी में बंगलों की अदला बदली हो गई, पर वो बॉम्ब रोजविला में जो बॉम्ब था उसके बारे में क्या जानते हो? सर उस बॉम्ब विस्फोट के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये रोजविला का असली मालिक कहाँ? सर वो बेंगलोर में रहते हैं, वो पार्टी से मिले भी नहीं, उन्होंने पेपर साइन करके भिजवा दिए। ये कैसे समझौता है? बंगलों का मालिक किरायेदार की जांच पड़ताल नहीं करता है, किरायेदार बंगलों देखे बिना वहाँ रहने चला जाता है, ऐसा कभी होता है क्या? और एक बात बताओ, वो टेलीफोन वाला जो रोजविला में गया था तुमने ही भेजा था उसे? नहीं सर। तो फिर किसने भेजा? सर रोजविला में तो टेलीफोन का लाइन हमने 15 दिन पहले शुरू कर दिया था, तो हम क्यों भेजेंगे टेलीफोन लाइन वाले को? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, सब पता चल जाएगा। सर ये रोजविला में महंत और नताशा रहने जाने वाले थे, तो इन लोगों से भी पूछताछ कर ही लेते हैं सर। हाँ मिलते हैं महंत और नताशा से, लेकिन अभिजीत पता लगाना पड़ेगा ये टेलीफोन वाला है कौन जो रोजविला में गया था। किस लिए गया था ये रोजविला में टेलीफोन वाला? राकेश ये कुल मिलाकर 50 डिफॉल्टर्स। एक काम करो, इन सब के पास एक आखिरी नोटिस भेजो और उसके बाद इनकी लाइन डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है सर। आप भी आरटीबी टेलीफोन एक्सचेंज के एरिया सुपरवाइजिंग मैनेजर हैं? हाँ जी, मेरा नाम विवेन है। देखिए हम लोग सीआईडी से, रोजविला मड आइलैंड में एक औरत का खून हुआ है और उसी सिलसिले में हम आपके एक कर्मचारी से मिलना चाहते हैं। वो कर्मचारी कल इस रोजविला में गया था एक नया टेलीफोन एक्सचेंज करने के लिए। सर आप किस कर्मचारी की बात कर रहे हैं? उसका नाम तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने उसकी शक्ल देखी थी। एक मिनट सर। मड आइलैंड के रोजविला में कल किसको नए कनेक्शन के लिए भेजा था? क्या 2 हफ्ते पहले नया कनेक्शन लग चुका है और लाइन चालू है? किसे भेजा था वहां पर? चंदर को। ठीक है उसे अंदर भेजो। विवेन साहब हमें मालूम था कि रोजविला में 2 हफ्ते पहले ही एक नया कनेक्शन हो चुका है और फोन चालू है, इसीलिए हम इस कर्मचारी से, इस चंदर से मिलना चाहते हैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ चंदर, ये लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। साहब ये वो आदमी नहीं है जो कल रोजविला में आया था? ठीक से याद है ना तुम्हें, ये वो आदमी नहीं था? नहीं साहब ये वो आदमी नहीं था, मैडम ने उसका आईडी भी चेक किया था। ये वो आदमी नहीं है? ये चंदर नहीं है? तो फिर चंदर जी तुम्हारे नाम पर कोई और कैसे गया था रोजविला में नया टेलीफोन कनेक्शन करने के लिए? कैसे गया था कोई और? क्यों, क्या तुमने तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड किसी और को दिया था या नहीं? बताओ तुम्हारा आई कार्ड, बताओ तुम्हारा आई कार्ड। नहीं सर। बताओ कौन गया था तुम्हारे नाम पर, कौन गया था चंदर बनकर, जल्दी बता। सब मुझे उसका नाम नहीं मालूम साहब। कैसे नहीं मालूम, जल्दी बता कौन है वो, क्या जानता है उसके बारे में तुम? मैं उसे ज्यादा नहीं जानता साहब, बस सिर्फ 1 हफ्ते से मैं उसे टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर देखता था साहब। उसने मुझसे दोस्ती की, अपना प्लान बताकर मुझे अच्छे पैसे दिए साहब, ताकि मेरा मुंह बंद रहे। और क्या जानता है उसके बारे में? वो मुझसे मिलने के बाद अक्सर रिक्शा पकड़ता था साहब। रिक्शा पकड़ता था? और क्या कहता था रिक्शा वाले को, कहाँ जाना है कहता था? चार को। साहब जी खाना लगा दिया है, खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। नताशा मैम साहब अभी तक उठी नहीं। अखबार पढ़ते पढ़ते समय का पता ही नहीं चला, और ये नताशा भी ना, उसकी नींद की गोलियां कम करनी पड़ेगी। वैसे भी नताशा मैम साहब ने तो अलार्म लगाया था ना। इस समय कौन है आप? महंत और नताशा घर में है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ कहिए, मैं ही महंत हूँ।
देखिए रोज विला में जो वारदात हुई है उसके बारे में पूछताछ करने आए हम लोग। हाँ, अमित ने सब कुछ बताया मुझे उसके बारे में। स्टेट एजेंट अमित ने सब कुछ बताया? जी। आप जरा यह फोटो देखिए, इन दोनों में से किसी को जानते हैं आप? नहीं। नहीं मांझी, ये मिलानी और प्रतीक है। जिस रोज विला में आप दोनों रहने जाने वाले थे आपकी जगह ये गए, और फिर आपको पता है क्या हादसा हुआ? ये प्रतीक और मिलानी है, ये सब उस दूसरे एजेंट करण की गलती की वजह से हुआ है। ना वो बंगलों की अदला बदली करता और नहीं ये सब कुछ होता। लेकिन मान जी बात अलग है, हमें शक है कि रोज विला के बॉम्ब फटने से मिलानी की जो मौत हो गई वो बॉम्ब प्रतीक और मिलानी के लिए नहीं बल्कि आप दोनों के लिए था, आप लोगों के लिए। कि हम लोगों के लिए? जी हाँ। लेकिन हमें कौन मारना चाहता है? नताशा कहाँ है आपकी बीवी? कहाँ है नताशा? वो तो सो रही है। और 2 बज गए और अब तक सो। नताशा, 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 छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे 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 नताशा के पास जाना। मांझी, मांझी, थोड़ा चले। आप नताशा के पास नहीं जा सकते, अगर आप गए तो कोई ना होगा तो नष्ट हो जाएगा। प्लीज हम आपका दुख समझते हैं। प्लीज सचिन, फ्रेडी, देखो जरा गौर से, अच्छी तरह से देखो क्या मिलता है। नताशा, शांत हो जाइए। सर, घड़ी के टुकड़े, अलग अलग घड़ियों के, इतने सारे घड़ियों के टुकड़े। मांझी, नताशा के कमरे में इतनी सारी घड़ियां कैसे? नताशा को नींद से उठने में तकलीफ होती थी, इसीलिए उठने के लिए वो 3-3 घड़ियों में अलार्म लगाती थी। 3-3 घड़ियों तो कहीं बॉम्ब नहीं, घड़ियों में तो नहीं फिट किया गया था? बात बताइए, क्या ये घड़ियां नताशा ने खरीदी थी? जी हाँ। कहाँ से खरीदी थी आप बता सकते? यही पास ही में एक दुकान है, नीड्स नाम की, वही से खरीदी थी। नीड्स? जरूर घड़ियों में कुछ गड़बड़ है। मिल गया। अरे सारुखिया, क्या पता चला? जरा हमें भी तो बता। अरे बॉस, सारा फर्नीचर इतना तहस नहस हो गया है कि मुझे फर्नीचर का एक एक टुकड़ा बहुत अच्छी तरह से चेक करना पड़ा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये बम बना किस केमिकल से। ये देखो, ये है उस केमिकल का कार्बन चेन। कौन सा केमिकल है ये? सेस्टेक्स टॉक्सिन। सेस्टेक्स टॉक्सिन? हाँ, वैसे तो और भी केमिकल्स मिले मुझे, लेकिन ये सेस्टेक्स टॉक्सिन केमिकल सबसे ज्यादा मात्रा में मिला। अब बॉस, ये सेस्टेक्स टॉक्सिन सबसे ज्यादा इस घड़ी पर मिला है। इतना ही नहीं, इस घड़ी पर मुझे उस बॉम्ब के डेटोनेटर के अंश भी मिले, इस घड़ी के टुकड़ों पर से। इसका मतलब है कि बॉम्ब घड़ी के अंदर फिट किया गया था। सर, कहीं ये घड़ी भी उन सामानों में से तो नहीं जिसे मिनाली ज्यादा सामान कह रही थी? हो सकता है। फ्रेडी, सचिन, काम करो, ये घड़ी के जितने भी टुकड़े हैं इन्हें जोड़ने की कोशिश करो। अब समझ में आ रहा है सर, जैसे इस घड़ी में 2 बजे इस घड़ी के अंदर रखा गया बॉम्ब ट्रिगर हुआ और फट गया। सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि रात 2 बजे फोन की घंटी बजती है, मिलानी उस फोन को उठाने के लिए हॉल में आती है और उसी वक्त बॉम्ब फट जाता है। हाँ अभिजीत, एक बहुत बड़ी साजिश है ये, बस पता लगाना चाहिए कि ये फोन किया किसने था, किसने किया था फोन। सर, मुझे तो इस काम वाली बाई पे शक है सर, उस टाइम से कहा था कि ठीक 2 बजे धमाका हुआ था, मगर उसने कोई घड़ी नहीं पहन रखी थी, तो एग्जैक्टली धमाका कितने बजे हुआ उसे कैसे पता? इस काम वाली भाई से फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बॉम्ब
घड़ी में ही फिट किया गया था और जैसे ही घड़ी में रात के 2 बजे धमाका हो गया और मिलानी मर गई। एक बात और बात, ठीक ऐसा ही घड़ी वाला बम सेम कॉम्पोजिशन का मुझे नताशा के घर के सामान में भी मिला। और सर, इन दोनों बॉम्ब्स में से ये जो कीले, कांच और मेटल के टुकड़े मिले, ये तो किसी भी हार्डवेयर शॉप में से बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। मतलब ये बॉम्ब देसी बॉम्ब है, क्रूड बॉम्ब? हाँ, ये क्रूड बॉम्ब ही है और इसे बनाने वाला जरूर कोई नौसिखिया होगा, लेकिन हाँ, उसे इंजीनियरिंग की बड़ी अच्छी जानकारी होगी क्योंकि इसने घड़ी की सुई को ही बॉम्ब का ट्रिगर बना लिया। इंजीनियरिंग की जानकारी मतलब दोनों बॉम्ब एक ही तरीके से बनाए गए, एक ही तरीके से। पहला बॉम्ब फटा, मिलानी की मौत हो गई, और बिल्कुल 24 घंटे के अंदर ही अंदर दूसरा घड़ी का बॉम्ब फटा और नताशा की मौत हो गई। लेकिन एक बात है, ये सब कुछ जो हुआ वो उस करण, उस स्टेट एजेंट की गलती की वजह से, उसकी गलती की वजह से घर की अदला बदली हो गई। मिलानी भूल से रोज विला मतलब नताशा के घर में पहुंच गई और नताशा मिलानी के घर। इसका मतलब है कि खूनी ने बॉम्ब नताशा के लिए बनाया था, नताशा के लिए, मिलानी के लिए नहीं। और जब उसे पता चला कि नताशा जिंदा है तो ठीक वैसे ही बॉम्ब से उसने नताशा को भी मार दिया। तो ये देखिए, इस घड़ी के इस टुकड़े पे स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है इस पे। एक मिनट मैं देखूं। हाँ, अब देखिए कुछ कुछ नजर आ रहा है। इसकी एसके, कैसा नाम है ये एसके? कहीं ये कोई कंपनी तो नहीं जहां पर ये घड़ी बनी है, या फिर कोई दुकान जहां से ये घड़ी खरीदी गई है? ठीक से साफ सफाई करो, ये देखो कहां पे धब्बे लगे, पोछो इसे। एक्सक्यूज मी जी, कहिए सर। जरा ये स्टिकर देख, एसके, ये आपकी दुकान का है? एसके, जी हाँ सर। सर ये स्टिकर तो मेरे दुकान का ही है सर, और तो और ये जो घड़ी का टुकड़ा है, इस घड़ी को तो मैंने पिछले हफ्ते ही बेचा था सर। आपकी इस घड़ी में एक हथियारे ने बॉम्ब फिट किया था और उस बॉम्ब के फटने से एक औरत की मौत हो गई। ये क्या कह रहे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद है किसको बेची थी आपने ये घड़ी? हाँ सर, एक आदमी आया था सर इसे खरीदने के लिए। जाइए देखो, वो आदमी ये था। हाँ सर, ये तो वही आदमी है सर। अच्छा, इसका नाम पता कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, ये तो नहीं पता। कुछ और बता सकते हैं इस आदमी के बारे में? हाँ सर, याद आ गया, घड़ी खरीदते वक्त वो किसी से फोन पे बात कर रहा था सर। किससे, किससे बात कर रहा था? सर ये तो पता नहीं। अच्छा, आपने उसकी बातें सुनी? क्या कह रहा था, कुछ कुछ याद है? वो चारकोप के बारे में कह रहा था। चारको? सर, चंदर ने भी तुम्हें बताया था कि टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर जो आदमी उससे मिलने आता था, वो भी रिक्शा वाले से चारको भी चलने के लिए कहता था। चलो चारको अब चलते हैं, शायद ये आदमी हमें वहीं पे मिलेगा। सर कुछ नहीं पता चला। सर उधर किसी को कुछ नहीं पता। कमाल है, एक दुकान सामने है उससे पूछते हैं। आप लोगों को क्या चाहिए साहब? हमारे सेठ बाहर गए हुए हैं। बाहर गए? जी साहब। कोई बात, आप जरा ये स्केच देखो। इस आदमी को देखा यहाँ आसपास? ये तो हमारे सेठ की तरह लग रहा है साहब। ये हमारे सेठ ही हैं। ये तो इनके सेठ निकले, खुद की इतनी बड़ी दुकान है। क्या नाम है तुम्हारे सेठ का? मकरंद साहब। मकरंद जी साहब,
निकेत जरा वो टुकड़ा दिखाना इन्हें, ये देखिए। ये आपको कहां से मिला? अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान लिया तुमने इस घड़ी के टुकड़े को। जी साहब। तब तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि तुम्हारा सेठ क्या क्या गुल खिला रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? ये टुकड़ा जब घड़ी हुआ करता था तो तुम्हारे साहब ने इसमें बॉम्ब फिट किया था, जिसकी वजह से दो औरतों की जान चली गई, समझे तुम? क्या, मेरे सेठ और बॉम्ब? हाँ बॉम्ब, और तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। साहब, मैंने मकरन साहब को घड़ियां लाते हुए और ले जाते हुए देखा था। अच्छा, कहाँ लेके आते थे घड़ी, कहाँ रखते थे? वहाँ पीछे कमरा है, मकरन साहब घड़ियों को उसी में रखते थे। चलो देखते हैं वो कमरा, दिखाओ कहाँ पे है। आइए साहब। देखो लाइट का स्विच कहाँ पे है। सर। साहब, मकरन साहब ने कभी हमें इस कमरे के अंदर आने नहीं दिया, वो हमेशा इसे बंद ही रखते थे। My God. बॉम्ब बनाने का सामान। सर इसका मतलब मकरंद यहीं बैठकर बॉम्ब्स बनाता था, घड़ियों के अंदर फिट करता था। क्या ये सब यहाँ इतना सब कुछ चल रहा था और तुम लोगों को कुछ पता नहीं चला? घड़ियां तो हमने देखी थी साहब, लेकिन उसके अंदर मकरंद साहब ने क्या हेरा फेरे की ये हमें मालूम नहीं पड़ा। सर ये देखिए। ये तो रोजविला की फोटोज है। यस सर, बंगलो खाली है और सारी तस्वीरों में बंगलों का अंदर का हिस्सा दिख रहा है, और ये सारी तस्वीरें हर तरफ से ली गई हैं। पर सर, खाली बंगलों के अंदर की तस्वीरें खींचने का क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये निखिल की प्रतीक और मिलानी के रोजविला में जाने से पहले मकरंद उस बंगलों में गया और वो घड़ी बम कहाँ पे फिट करना है वो जगह तय कर ली। सर लेकिन बंद पड़े हुए बंगलों के अंदर जाकर तस्वीरें खींचना ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? मतलब इस मकरंद के पास रोजविला की चाबी थी, किसी जान पहचान वाले ने उसे चाबी दी होगी, मगर किसने? वैसे तुम्हारे मकरंद साहब गए कहाँ हैं? आप ही की दुकान का बिल है? जी सर, ये बिल मेरी ही दुकान का है। तो फिर इस पर जो तीन घड़ियां बेची गई है नताशा को, वो किसने बेची? शायद सोहन ने ये घड़ियां बेची थी सर। तो बुलाओ सोहन। वो आज काम पे नहीं आया सर। काम पे नहीं आया, क्यों? देखिए ना, परसों ही उसे काम पे रखा था और कल से गायब है। परसों काम पे रखा, परसों उसने घड़ियां बेची और कल से काम पे नहीं आ रहा है, कमाल है सर। लेकिन सर, जो घड़ियां नताशा जी को उसने बेची थी वो हमारे स्टॉक में थी ही नहीं। क्या मतलब है आपका? वो घड़ियां सर, घड़ियां। मैंने उसे पूछा भी कि वो घड़ियां कहां से लाया, तो उसने बताया कि हमारे स्टॉक में ही पड़ी थी। अगर तुम्हारे स्टॉक में नहीं थी तो फिर तुमने माना कैसे है? अब सर, नताशा जी को वो पसंद आ गई थी, माल बिक रहा था, पैसे आ रहे थे, तो मैंने बहस नहीं की। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से क्या हुआ मालूम है? नताशा की मौत हो गई। सॉरी सर। सॉरी अभिजीत, ये सोहन जानता था कि नताशा यहीं पर आएगी इसी दुकान में, तो तीन घड़ियां खरीदने के लिए, इसलिए इस सोहन ने ये घड़ियां बॉम्ब फिट करवा के बाहर से ले ली और यहाँ ला करके उसे बेच दी। मतलब सब कुछ पहले से ही तय था? हाँ, सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था। सोहन का पता है तुम्हारे पास? जी सर, उसने जिस नंबर से मुझे फोन किया था वो नंबर मेरे मोबाइल में होगा। नंबर दो जरा। जी 03622919119 जी। सर क्या हुआ? ये नंबर तो स्टेट एजेंट करण का है। करण का? हाँ सर, उस दिन जब हम लोग ऑफिस में गए थे तो मैंने उससे नंबर ले लिया था। लगाओ इसे, देखते हैं। नहीं सर, फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? सर इसका मतलब करण और सोहन एक ही आदमी है, और वो सोहन सिर्फ इसलिए बना था ताकि वो बॉम्ब वाली घड़ियां नताशा को बेच सके। अभिजीत, मुझे तो लगता है मकरंद को रोजविला की चाबी भी इसी करण ने दी,
और नताशा की मौत का कारण भी यही है, ये करण। इस करण को उठाते हैं। आप लोग? करण कहाँ है? आपको मालूम नहीं सर? क्या मालूम नहीं? करण की आज सुबह ही मौत हो गई। क्या? करण की मौत हो गई आज सुबह? कैसे? एक्सीडेंट, ट्रक ने उसे उड़ा दिया। वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाया बेचारा। एक्सीडेंट या खून? क्यों, एक्सीडेंट या खून? अभिजीत, मुझे तो यही लगता है ये एक्सीडेंट नहीं खून है। खूनी को पता चल गया कि हम करण को उठाकर उससे सच उगलवा लेंगे तो उसने उसका खेल ही तमाम कर दिया। अच्छा ये बताओ, ये जो बंगलो आपस में बदले थे, ये गलती सिर्फ करण की थी या फिर? नहीं सर, वो सिर्फ करण की वजह से हुई थी। फिर भी तुम कुछ जानते हो, हमें पता है। क्या जानते हो बताओ जल्दी। देखो घबराओ मत, सच सच बताओ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। बताओ क्या जानते हो। देखिए सर, वो पिछले दो दिन से काफी डरा हुआ है। उसके मन में कोई राज था। राज? कैसा राज? राज बताने से पहले उसकी मौत हो गई। क्या जानता था ये करण जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? इस करण के घर की तलाशी लेते हैं सर। सर वो इतना डरा हुआ था कि दो दिन से ऑफिस में ही सो रहा था। क्या, दो दिनों से वो ऑफिस में ही सो रहा था? वो घर गया ही नहीं? घर गया ही नहीं। करण दो दिनों से घर गया है? ये क्या है अभिजीत, पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब तो ये पेंटिंग नहीं थी, है ना? हाँ सर, ये दो दिन पहले ही खरीदी है। किसने? करण ने। दो दिन पहले करण ने ये पेंटिंग खरीदी? दो दिन पहले, है ना? बड़ी अजीब बात, एक आदमी जिसके सिर पर मौत मंडरा रही है, जो दो दिन से डर के मारे अपने घर नहीं जाता लेकिन ऑफिस में सोता है, वो आदमी दो दिन पहले ये पेंटिंग खरीदता है। क्यों, क्यों खरीदता है ये पेंटिंग? है, अच्छी है पेंटिंग, लेकिन है क्या इसमें जो करण ने इसे खरीदी? खोलकर देखे क्या? ये क्या है? लैंकिन, कुछ है इस एनवलोप में? माय गॉड, तो ये है वो राज जो करण जानता था और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, जिसकी वजह से नताशा का खून हुआ और जिसकी वजह से मिलानी मर गई। सोलापुर की इतनी सारी बसें निकल गई लेकिन ये मकरंद अब तक दिखाई नहीं दिया। सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम लोग आने वाले हैं? देखते हैं, इंतजार करते हैं। और वो देखो नहीं, चश्मे वाले के बगल में वो आदमी बिल्कुल मकरंद जैसा लगा है। हाँ सर, शायद ये मकरंद ही है। चलो जल्दी आओ। मिस्टर मकरंद, कौन हो तुम लोग और मेरा नाम कैसे जानते हो? मकरंद बाबू, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अगर आप लोग सीआईडी से हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कुछ नहीं, हम ही करेंगे जो करना है। वैसे आपको याद होगा कि नताशा मिला नहीं और घड़ी बॉम्ब। ओह, तो आप लोगों को सब पता चल गया, लेकिन आप लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत है मकरंद, सबूत है। करण मरने से पहले तुम्हारी काली करतूतों का चिट्ठा एक कागज पे लिख कर गया था और वो कागज का टुकड़ा हमारे पास है, सीआईडी के पास। अब चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो वरना। भागता किधर है? हाँ
मैं ही जिम्मेदार हूँ मिलानी, नताशा और करण के खून का। ये सारे खून तुमने किए क्यों? पैसों के लिए। करण को किसी तरह पता चल गया कि मुझे बॉम्ब बनाने आता है, बस उसने मुझे ढूंढ निकाला और कहने लगा कि एक आदमी है जो मुझे घड़ी बम बनाने के लिए मुंह मांगी रकम देगा। और फिर तुमने बड़ी सफाई से तो फोन मिलानी के घर के हॉल में फिट किया ताकि फोन उठाने आए और उसकी मौत हो जाए। पहले मैंने रोज विला के अंदर घुसकर अच्छी तरह जांच पड़ताल की और फिर जिस दिन प्रतीक और मिलानी वहां रहने आए, मैंने चुपके से वो घड़ी वाला कार्टून टेम्पो के अंदर रख दिया और बाद में जब मैं टेलीफोन वाला बनकर अंदर गया तो उस वक्त मैंने देख लिया कि घड़ी वहीं लगी हुई है। तब मैंने ये ठान लिया कि मैं फोन हॉल में ही लगाऊंगा और जिस दुकान से नताशा ने घड़ियां ली थी उसमें भी बम मैंने ही लगाया था। और करण की मौत को तुमने बड़ी सफाई से एक्सीडेंट का रूप दे दिया। करना पड़ा, क्या करता, वो आप लोगों के सामने अपनी जबान खोलने वाला था इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना ही पड़ा। और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? पैसे मान, सारा प्लान चौपट हो गया है। सीआईडी ने पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने भी अपना वादा पूरा किया। आज के बाद हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग एक दूसरे को कभी जानते भी थे। ये लो, अलविदा। प्रतीक, नहीं, बैग को हाथ मत लगाओ। पिछड़ो, बैग खोलना नहीं, पिछड़ो। ये संभाल के। गद्दार, तूने मुझे मारने की कोशिश की? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब इसी का किया हुआ है। झूठ बोल रहा है सर, दरअसल ये आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है, प्लान इसी का था, इसी ने बनाया था। ये बोल रहा है साहब, मैं बता दूं, बोल रहा है ये। अरे कमाल कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरा यकीन। झूठ बोल रहा है, इसने क्या किया और क्या नहीं अभी पता चल जाएगा। अब 3 मिनटों में तुम्हारी कहानी हम सुनाएंगे। मिलानी, नताशा, करण, 3-3 लोगों का खून किया है तुम लोगों ने और तुम लोगों ने सीआईडी को झूठ बोला, हमारे सामने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर गए। हाँ, मगर तुम लोग 1999 से एक दूसरे को जानते थे। तुम लोगों ने मिलकर एक फैक्ट्री शुरू की और जब धंधे में नुकसान हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए। प्रतीक, तुम गए दार्जिलिंग और महंत, तुम गए कानपुर। क्यों? लेकिन वो फैक्ट्री किसकी होगी इसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो प्रतीक जी आपने सोचा कि क्यों ना महंत जी की मौत हो जाए तो सारी फैक्ट्री आपके नाम। और फिर एक दिन अचानक तुम दोनों दोस्त बन गए और ये गहरी साजिश रची। और ये हमें कैसे पता चला? करण से। करण जो कई साल पहले तुम दोनों का नौकर हुआ करता था, उसी ने तुम दोनों का काला चिट्ठा लिख कर रख दिया कागज पर हमारे लिए, समझे? 3 मिनट खत्म, अब तुम लोग बोलोगे और हम सुनेंगे। सही कहा आप लोगों ने, ये सब इस प्रतीक का शुरू किया हुआ है। ये हमारी फैक्ट्री की प्रॉपर्टी बेचना चाहता था। हाँ, मिलानी मुझ पर दबाव डाल रही थी क्योंकि हमारा कर्जा सर के ऊपर चढ़ चुका था, बस इसीलिए। इसलिए क्या? इसलिए इसने प्लान बनाया। इसे पता था कि हम लोग मुंबई आ रहे हैं, मुझे और मेरी बीवी नताशा को जान से मारने के लिए मकरंद की मदद से इसने रोज विला बंगलो में बॉम्ब प्लांट किया। मिस्टर प्रतीक, तुम्हें तो मालूम था कि रोज विला में बॉम्ब लगा हुआ है, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ वहां रहने क्यों चले गए? सर, मिलानी की रोज रोज की नोक झोंक से मैं परेशान हो चुका था, थक चुका था। वो मुझे डिवोर्स देने को तैयार नहीं थी, इसलिए जब मुझे पता चला कि करण से गलती हो चुकी तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और इसी बहाने मिलानी से अपना पीछा भी छुड़ा लिया जाए। और मिस्टर महंत, जब आपको पता चल चुका था कि प्रतीक आप दोनों की जान लेना चाहता है तो आपको सीआईडी के पास आना चाहिए था, आप हमारे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि ये भी दूध का धुला हुआ नहीं है सर, मिलानी के मौत के कुछ घंटों बाद ही इसने मुझे फोन पर धमकी दी और हमारी पुरानी जगह पर मिलने को कहा। कुछ साबित नहीं कर पाओगे मान, तुम इससे कोई फायदा नहीं होने वाला।
बिना मेरे फायदे के मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता प्रतीक, नेवर। तुमने मुझे और मेरी बीवी नताशा को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था, मगर भला हो उस करण का जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में तुम्हारी बीवी मिलानी ही मारी गई। सोचो प्रतीक, सोचो, अगर यही बात मैंने सीआईडी को बता दी तो बता क्यों नहीं देते? बिजनेसमैन हूं ना, हर बात में सबसे पहले अपना फायदा सोचता हूं। अच्छा, तो मुझे बचाकर तुम्हें क्या फायदा होने वाला? ना, सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी। हम दोनों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अगर तुम मेरा छोटा सा प्रस्ताव मान लो तो। कैसा प्रस्ताव? देखो प्रतीक, हम दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया था, ये सोचकर कि करोड़ों कमाएंगे, ऊंचाई तक पहुंचेंगे। आज हम लोग ऊंचाई तक तो पहुंच गए, मगर नीचे करोड़ों का कर्जा है। ये सारी मुसीबतें टल सकती है प्रतीक, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। देखो मान, जो कहना है साफ साफ कहो। अब तुमने तो बड़ी आसानी से बॉम्ब ब्लास्ट करके अपनी बीवी मिलानी को मरवा दिया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ ना। तुम कहना क्या चाहते हो मान? मैंने जानबूझकर मिलानी को मारा है? अब तुमने जानबूझकर मारा है या? खैर, छोड़ो इन बातों को और मेरी एक छोटी सी और आसान सी बात सुनो। देखो, जिस तरह तुमने बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी बीवी मिलानी को मारा है ना, ठीक उसी तरह तुम्हें मेरी बीवी नताशा को भी मारने में मेरी मदद करनी होगी। सिंपल। लेकिन इसमें इसमें मेरा क्या फायदा है? Yes, I knew it. ये हुई ना एक अच्छे बिजनेसमैन वाली बात। प्रतीक, मेरी बीवी नताशा का 50 करोड़ का इंश्योरेंस है। मेरी बीवी नताशा मर गई, फिर 25 करोड़ मेरे, 25 करोड़ तुम्हारे। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और सीआईडी, उनका क्या? सीआईडी यार, सीआईडी को कैसे पता चलेगा? ये राज तो तुम्हारे मेरे बीच में है ना। ठीक है, मुझे मंजूर है। गुड, वेरी गुड। 24 घंटे का टाइम देता हूँ। पैसा मेरा, दिमाग तुम्हारा। डन। 24 घंटे। और फिर मैंने मकरंद को फोन किया। बम बनाना मेरा खुफिया पेशा है, जब मुझे दुगने पैसे का लालच दिया गया तो मैं इनकार ना कर सका। प्रतीक, तुम्हारे इस प्लान का मोहरा था करण, मगर तुम दोनों ने उसे ही मार दिया। हाँ, दरअसल महंत और मैं कर्ज में डूबे हुए थे, दोनों को पैसों की सख्त जरूरत थी, और करण, उसको शक हो गया था कि ये हम दोनों की मिली भगत है। प्रतीक, तुमने अपने फायदे के लिए करण का इस्तेमाल किया, और मान तुमने प्रतीक का। नताशा की मौत के बाद ब्रीफकेस में बॉम्ब रख के तुमने प्रतीक को दिया ताकि ये ऊपर पहुंच जाए, और इंश्योरेंस के 50 करोड़ रुपए तुम अकेले हजम कर जाओ। नहीं सर, इरादा तो ऐसा नहीं था। मैंने प्रतीक से कहा भी कि जब तक सीआईडी का मामला ठंडा नहीं हो जाता, धीरज रख और इंश्योरेंस के पैसे आने का इंतजार कर, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। अब इसके हिस्से के इंश्योरेंस के 25 करोड़ रुपए मैं अपनी जेब से तो दे नहीं सकता था, इसीलिए। वक्त के साथ खेलने का बड़ा मजा आता है ना तुमको। अब जेल में बैठकर एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन गिनते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर आ ही जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।